दोस्तों हमारे एनिमल किंगडम में ऐसे बेरहम जानवरों की कोई कमी नहीं है जो अपनी माँ के गर्भ से निकलते हुए बच्चों के साथ साथ उन छोटे बच्चों को भी नहीं पकड़ते हैं जिन्हें भी ठीक से चलना तक नहीं आता। और कभी कभी तो कुछ अपनी बिरादरी के शिकारी जानवरों का शिकार करने से भी पीछे नहीं हटते। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की दिल दहला देने वाली इस वीडियो को। दोस्तों इस वीडियो में दिख रहे शेर ने जब अपने ही बच्चों की जान ले ली तो इसे देख पूरी दुनिया दंग रह गई। दरअसल शेर आजीवन जंगल का राजा बने रहने के लिए अपने ही बच्चों को मारकर खा जाता है और इसी वजह से जब इन शेरों की नजर शेरनी के इन मासूम बच्चों पर पड़ी तो वो इसे मारने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन शेरनी कमजोर होने के बावजूद इन दोनों शेरों से काफी देर तक लड़ती रही पर अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में ये भी बुरी तरह से घायल हो गई और अंततः इन शेरों ने निर्ममता से इन मासूम बच्चों की हत्या शेरनी के आंखों के सामने ही कर दी और शेरनी देखते रहने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकी। पर ये तो कुछ भी नहीं, हद तो तब हो गई जब एक अकेली शेरनी ने जंगल के सबसे खतरनाक मांसाहारी जानवर बाघ के बच्चे को मार डाला। ये सुना आप चौंक गए होंगे, लेकिन दरअसल बाघिन अपने बच्चों के साथ अकेले रहना ही पसंद करती है और इसी वजह से जब ये शिकार करने के लिए बाहर गई तो उसका मासूम सा बच्चा अकेला पड़ गया। और इसी बात का फायदा उठाकर एक शेरनी ने बाघ के इस बच्चे को बिना मशक्कत के ही मार डाला। और जब बाघिन शिकार करके वापस आई तो अपने बच्चों को न देखकर काफी दुखी हुई और इसे ढूंढने लगी। लेकिन दोस्तों आपको उस समय कैसा महसूस होगा जब आपके बेहद ही ताकतवर और ज्यादा संख्या में होने के बावजूद आपके आंखों के सामने ही आपके बच्चों को कोई मार डाले। दरअसल आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक भैंस अपने बच्चों को जन्म दे रही है और जैसे उसका बच्चा इस नई दुनिया में अपना पहला कदम रखता है वैसे ही शिकारी शेरों की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उस पर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन झुंड के ताकत और भैंसों की वजह से वो बच्चा कुछ पलों तक तो सुरक्षित रहा, लेकिन मौका मिलते ही इन शेरों ने उसे दबोच अपना शिकार बनाने के लिए अपने इलाके में लेकर चले गए। और जिस माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया वो असहाय हो अपने बच्चे को मरते हुए देखती रहने के अलावा कुछ न कर सकी, जबकि पूरा का पूरा झुंड उसके साथ खड़ा था। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है। लेकिन ये दुख इस मादा चीते के दुख के सामने तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ये चीता अपने बच्चों को बेबस और लाचारों की तरह शिकार होते देखते रहने के अलावा कुछ न कर सका। दरअसल जब इन शेरों की नजर चीतों के इन बच्चों पर पड़ी तो इनके मुंह में पानी आ गया और इसी वजह से ये उन बच्चों के काफी करीब चले गए। ये देख मादा चीता पहले तो इन शेरों से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन थोड़ी देर में ही वो डर कर भाग जाती है। उसके बाद ये दोनों शेर उसके बच्चे को दबोच कर नोच डालते हैं और ये सारी घटना दूर बैठी मादा चीता बस देखती रहने के अलावा कुछ न कर सकी। लेकिन जब शेर बच्चों को मारकर चले जाते हैं तो ये चीता फटे कपड़ों की तरह जमीन पर पड़े अपने बच्चों को झाड़ियों में चिल्लाते हुए काफी देर तक ढूंढती रहती है। लेकिन ये चीते भी इन शेरों से कम निर्मम नहीं होते, इसका अनुमान आपको ये वीडियो देखने के बाद लग ही जाएगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक मादा हिरण अपने बच्चे को जन्म दे रही है और कुछ पलों के अंदर ही वह बच्चा अपने माँ के साथ दौड़ने लायक हो जाता है। लेकिन अभी वह पहली बार दौड़ा भी नहीं था कि एक चीते की नज़र उस पर पड़ गई और उसे देख मादा हिरण तो दूर भाग गई, पर यह बच्चा अपनी जान बचाने के लिए धीरे ही सही पर दौड़ता रहा और आखिर थोड़ी मशक्कत के बाद चीते ने उसे अपना शिकार उस मादा हिरण के नज़रों के सामने ही बना डाला जिस कदर उन शेरों ने इस चीते के बच्चे को बनाया था। दोस्तों यह मादा जेब्रा अपने बच्चे को जन्म दे नई दुनिया में जैसे ही लाती है तो पूरा का पूरा झुंड खुशी से झूम उठता है। थोड़ी देर में ही बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है जिसे देख उसकी माँ को लगता है कि अब मेरा बच्चा इस बेरहम दुनिया में सरवाइव कर लेगा और जिंदा बच जाएगा। लेकिन अगले पल कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी और उसी पल अचानक एक शेर उस मासूम बच्चे पर हमला कर देता है और पूरे झुंड में उस वक्त माहौल कुछ ऐसा था मानो कुछ हुआ ही नहीं सिवाय उसकी माँ के। वो मादा जेब्रा अपनी भरी हुई आंखों से अपने इस मासूम बच्चे को शेरों का शिकार बनते हुए देखती रही। वो शेर इस बच्चे को किसी खिलौने की तरह उठाकर दूर ले गए और पल भर में चीड़ फाड़ कर खा गए। दोस्तों इन सभी दृश्यों को देख भले ही आपको बुरा लग रहा हो पर उन जानवरों के लिए ये एक आम बात है, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि शेर हो या हिरन उनके दिमाग में सिर्फ यही बात रहती है कि आज उन्हें जी जान लगा कर भागना है। हिरन ये सोचता है कि आज वो अगर नहीं भागा तो वो मारा जाएगा और सेम बात शिकारी के दिमाग में भी रहती है कि अगर आज वो जी जान लगाकर नहीं भागा तो वो भूख से मर जाएगा और यही जंगल का नियम है।
दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियोज को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोज की लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।